नमस्कार, मैं प्रिया। धड़ाधड़ 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। बिहार में आज से अनलॉक 6 लागू कर दिया गया है, जिसमें बिहार में भगवानों को अनलॉक करने के साथ ही साथ आज से छात्रों के लिए नियमित शिक्षण संस्थानों को खोल दिया गया है। साथ ही दुकानों पर 7 बजे तक की लगी बाध्यता भी समाप्त हो गई है। कमोबेश पूरा बिहार खोल दिया गया है। अफगानिस्तान के पंजशीर में अफगानिस्तान के कार्यवाहक राष्ट्रपति अब्दुल्ला सालेह की अगुवाई में नदर्ड अलायंस के लड़ाके तालिबान से जंग लड़ रहे। वहीं अब तालिबान और पंजशीर के प्रतिनिधियों के बीच परवान प्रांत की राजधानी चारिकार में बातचीत हुई है। दोनों गुट एक दूसरे पर हमला नहीं करने पर सहमत हुए हैं। बिहार में 16 करोड़ के इंजेक्शन के साथ अयांश को बचाने की मुहिम अब धीमी पड़ गई है। धोखाधड़ी के मामले में पिता के जेल जाने के साथ ही अयांश की मदद के लिए आ रहे पैसों में कमी आ गई है, जिसके बाद अब अयांश की मां ने सभी लोगों से एक बार फिर से मदद की गुहार लगाई है। पुलिस द्वारा परेशान करने वाले ट्रेंड देखने को मिल रहे हैं कि पुलिस ऑफिसर रूलिंग पार्टी का पक्ष ले रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है, ऐसे ऑफिसर जो सत्ताधारी दल की गुड बुक्स में शामिल होना चाहते हैं, वो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने बुधवार को मीडिया कर्मियों से लालू प्रसाद यादव की बीमारी से जुड़ा सवाल पूछा गया था। इस दौरान उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि पूरा देश ही बीमार है, जिसके बाद राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बयान की जदयू अलग व्याख्या कर रहा है। टोक्यो ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा ने हाल ही में ख्वाहिश जाहिर की है कि सिल्वर स्क्रीन पर उनके जीवन को दिखाने के लिए रणदीप ही सही विकल्प है। इतना ही नहीं, बॉलीवुड एक्टर रणदीप हुड्डा ने हाल ही में टोक्यो ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा से आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट में मुलाकात की थी। बिहार में धार्मिक प्रतिष्ठानों को आज से खोलने का आदेश जारी कर दिया गया है, लेकिन विश्वधाय धरोहर महाबोधि मंदिर का पट 27 अगस्त से आम श्रद्धालु और बौद्ध भिक्षु के लिए तो खोल दिया गया है, लेकिन बोध के अस्तित्व विभिन्न विदेशी बौद्ध महावीरों के पट खुलने को लेकर अभी संशय की स्थिति बरकरार है। अफगानिस्तान के अपनाए जा रहे वेट एंड वॉच पॉलिसी को अब भारत ने भी अपना लिया है। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने बैठक में जानकारी दी है कि उसने अफगानिस्तान में फंसे लोगों से संपर्क साधा है और जो भी लोग निकलना चाहते हैं उनको निकालने की तैयारी की जा रही है। बिहार के सामाजिक उद्यमी शरद सागर को एक बार फिर से कौन बनेगा करोड़पति में एक्सपर्ट के रूप में आमंत्रित किया गया है। सागर पिछले साल भी सबसे युवा एक्सपर्ट के रूप में नजर आए थे। पिछले साल अक्टूबर में शरद सागर पहली बार केबीसी में एक्सपर्ट के रूप में देखे गए थे। प्रख्यात तबला वादक पंडित शुभंकर बैनर्जी का कोलकाता शहर के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। वो कोरोना वायरस संक्रमण से पीड़ित थे और पिछले 2 महीने से उनका उपचार चल रहा था। वो 54 साल के थे। बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के बाघा में एक नाव के दुर्घटनाग्रस्त होने से कई लोगों के लापता होने की खबर सामने आई है। राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल SDRF की एक अधिकारी की माने तो दुर्घटना के समय नाव में 25 लोग सवार थे। भारत में तेजी से कोविड टीकाकरण का अभियान चलाते हुए 60 करोड़ कोविड डोज लगा दिए जा चुके हैं। खास बात यह रही है कि पिछले 10 करोड़ कोविड वैक्सीन डोज भारत ने सिर्फ 19 दिन में लगाए हैं, जो कि बीते 19 दिन में लगाने की पुष्टि हुई है। इसकी जानकारी देश के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने ट्वीट करके दी है। देश में गुरुवार को जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार 46,164 कोरोना पॉजिटिव मामलों की पुष्टि हुई है। 24 घंटे में कोरोना से 607 लोगों की जान गई है। वहीं एक दिन में 34,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं। देश में कोरोना के कुल एक्टिव केस 3 लाख के पार पहुंच गए हैं। केरल समेत कुछ एक राज्यों ने स्वास्थ्य विभाग की परेशानी बढ़ा रखी है। केंद्र सरकार ने ड्रोन उद्योग के लिए नए नियम जारी कर दिए हैं। नागर उड्डयन मंत्रालय ने पुराने नियम में सरकारी एजेंसियों और आम लोगों की सलाह के बाद अपनी नई नीति के सामने रखा है। बता दें कि पहले ड्रोन नीति 2021 का ऐलान 15 अगस्त तक किए जाने का अनुमान था, लेकिन सरकार ने अब यह निर्णय बदल दिया है। यूपी सरकार ने बड़ा निर्णय लेते हुए राजकीय मेडिकल कॉलेज बुलंदशहर और सुपर स्पेशलिटी कैंसर संस्थान चक गंजरिया लखनऊ का नामकरण पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के नाम पर करने का फैसला किया है। बता दें कि बीते 21 अगस्त को पूर्व मुख्यमंत्री का निधन हो गया था। हाल ही में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने के मामले में जमानत पर रिहा हुए केंद्रीय मंत्री नारायण राणे की तबीयत गुरुवार को अचानक बिगड़ गई। ताजा जानकारी के अनुसार उन्हें मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तालिबान की चपेट में आए अफगानिस्तान ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा हुआ है। अफगान संकट पर चल रही सर्वदलीय बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि अफगानिस्तान में हालात अच्छे नहीं हैं, जितनी जल्दी हो सके लोगों को वहां से निकालना जरूरी है। सूत्रों ने इसकी जानकारी दे दी है। कुछ समय पहले अफगान मीडिया में कहा गया था कि तालिबान ने काबुल में टोलो न्यूज के एक रिपोर्टर की जबरदस्त पिटाई की, जिससे उसकी जान चली गई। हालांकि इस खबर के वायरल होने के बाद रिपोर्टर ने ट्विटर हैंडल से लिखा है कि उनकी जान नहीं गई है, ये खबर पूरी तरीके से झूठी है।
राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना में होने वाली अनावश्यक देरी की रोकथाम के लिए सैद्धांतिक मंजूरी की रिपोर्ट अधिकतम 6 महीने में सौंपने का प्रावधान किया गया है। यही नहीं, कंसल्टेंट अथॉरिटी इंजीनियर प्रोजेक्ट डायरेक्टर को सभी मौजूदा परियोजनाओं की रिपोर्ट 31 अगस्त तक देने का अल्टीमेटम दिया गया है। इसमें देरी होने पर उन पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर से मोदी सरकार पर हमला बोला है और लोगों से कहा है कि कोरोना से खुद अपना ख्याल रखें, क्योंकि सरकार बेचने में व्यस्त है। टीकाकरण की गति तेज करने की फिलहाल जरूरत है ताकि अगली लहर में महामारी के गंभीर प्रभाव से बचा जा सके। पंजाब कांग्रेस की कप्तानी मिलने के बाद से ही नवजोत सिंह सिद्धू को सलाहकारों को लेकर कांग्रेस नेतृत्व की तरफ से अल्टीमेटम मिला है। इस बाबत हरीश रावत ने कहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू को अपने सलाहकारों को बर्खास्त कर देना चाहिए और अगर वो ऐसा करने में विफल रहते हैं तो फिर पार्टी ऐसा खुद करेगी। अफगानिस्तान में जारी कलह के बीच भारत इस संकट की स्थिति में भी सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि दूसरे देशों के नागरिकों को निकालने में मदद कर रहा है। गुरुवार को भी भारतीय वायुसेना का एक विमान 24 भारतीय और 11 नेपाली नागरिकों को लेकर काबुल से दिल्ली के लिए रवाना हुआ है। बंगाल में चुनाव बाद हुई हिंसा मामले को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई ने जांच को लेकर अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। चुनाव के बाद हुई हिंसा के सिलसिले में सीबीआई ने जांच के लिए 109 अधिकारियों की टीम गठित करने के बाद अब 9 मामले दर्ज किए हैं। हिमालय क्षेत्र की 4 घाटियां चुनाब, व्यास, रावी और सतलुज में ग्लेशियर पिघलने से 1475 झीलें बनी हैं। इनमें से 68 झीलें 10 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में फैली है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण तापमान में वृद्धि होने से ग्लेशियर तेजी से पिघल रही है, इसके कारण ही झील बन रही है। अपने बयानों के कारण सुर्खियों में रहने वाली कंगना ने अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म से एक तस्वीर साझा की है जो करण के धर्मा प्रोडक्शन द्वारा सहनिर्मित है। उन्होंने लिखा है कि क्या शानदार श्रद्धांजलि सिद्धार्थ, पूरी टीम को बधाई, यह एक बड़ी जिम्मेदारी थी और आप सभी ने #शेरशाह को उत्कृष्ट बनाया। पंजाब कांग्रेस में चल रही अंदरूनी कलह पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने अपना बयान दिया है, जिसके तहत समाचार एजेंसी ANI से बातचीत के दौरान केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि पंजाब में इनका जिस तरह से बंटाधार हो रहा है ये खुद उसके लिए जिम्मेदार है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने मंगलवार को कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज के प्रमुख के साथ बातचीत की थी। इस दौरान उन्होंने सरकारी बैंक के कर्मचारी के गुजर जाने पर परिवार को 30% अधिक बीमा मिलने की बात कही थी, जिस पर बीते दिन मुहर लगा दी गई है। केंद्र सरकार ने एक बार फिर से देश के अंदर ट्रैवल करने वाले लोगों के लिए कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर नई एडवाइजरी जारी की है, जिसके तहत स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि केंद्र ने इंटर स्टेट ट्रैवलिंग के लिए कोरोना टेस्ट की बाध्यता को हटा दिया है। बंगाल सिनेमा की जानी मानी एक्ट्रेस और TMC सांसद नुसरत जहां के घर नन्हा मेहमान आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने बेटे को जन्म दिया है। मिली जानकारी के अनुसार नुसरत ने अपने बच्चे की डिलीवरी पार्क स्ट्रीट स्थित एक प्राइवेट अस्पताल में की है। राजस्थान के बाड़मेर और जालौर जिले के कई इलाकों में गुरुवार को 11:15 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप के झटके महसूस होने के बाद लोग घरों से बाहर निकल आए। एक बार तो लोगों में दहशत फैल गई, लेकिन बाद में सब कुछ सामान्य हो गया। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.0 मापी गई है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है मुकेश शाह, मोहम्मद इरफान, ओमकार सिंह, वंदना रावत, जनार्दन सिंह, प्रीति रॉय, नुन्नू कुमार, राजेश सोनथलिया, अब्दुल बारिक, सोनू कुमार, प्रीतम गिरी, बीके सिंह, राजू कुमार, गणपत कुमार, दिलीप मंडल, नंदलाल कुमार, दिवेश कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चले बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार भारतीय टीम के किस खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में ज्यादा से ज्यादा मौका दिए जाने की जरूरत है? अपने जवाब हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।